लोग आ गए अपने होटल से बाहर, देखो वो सामने होटल है, ठीक है। अब हम यहाँ से कर रहे हैं रिक्शे की वेट, रिक्शा मिले तो हम जाएं मंदिर की तरफ। अब या तो हनुमानगढ़ी के दर्शन हो जाएं पहले, या फिर हो जाएं रामलला जी के, ठीक है। जैसी प्रभु की इच्छा वैसे दर्शन करेंगे। चप्पल पहन के आ गए हैं, देखो हम तीनों शूज़ हमने उतार दिए पहले ही, पैर वैसे सुबह से बंधे हुए लग रहे थे। चलो देखते हैं जी, कोशिश तो यही है कि हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन जैसा कि पहले किए जाते हैं उसके बाद फिर रामलला के दर्शन होते हैं, तो अभी देखते हैं कहाँ के दर्शन हम लोग पहले कर पाते हैं। वही है कि राम जी की इच्छा जैसे चाहेंगे वैसे दर्शन होंगे हमारे। चलो जी देखते हैं, कराते हैं सफ़र आपको प्रभु श्री राम की नगरी के। ई रिक्शा में हम लोग आ चुके हैं, 10 रुपये सवारी ले रहे हैं भैया हमसे, और यहाँ से लेके जा रहे हैं टेढ़ी बाज़ार। भैया टेढ़ी बाज़ार कितना दूर है यहाँ से? 1.5 किलोमीटर लिखा है जी टेढ़ी बाज़ार। तो वहाँ से कह रहे हैं भैया कि 1 किलोमीटर के आसपास आपको पैदल जाना पड़ेगा, बाकी देखते हैं आगे जाके फिर कोई रिक्शा मिलेगा तो फिर बैठ जाएंगे। देख लो जी राम जी की नगरी, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। देखो पूरा जाम लगा हुआ है, जहाँ तक आगे जाम है ना वहीं से हम लोग वापस आ गए। हम लोग उतर गए टेढ़ी बाज़ार, अब वहाँ से जा रहे हैं पैदल पैदल। और देख रहे हो भाई साहब भीड़ देख रहे हो, जितने भी यात्री हैं ना सब पैदल जा रहे हैं जो यहाँ से, ये सभी मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं। भीड़ तो है भैया काफ़ी, हम लोग सोच रहे थे होली की वजह से भीड़ नहीं मिलेगी पर काफ़ी भीड़ है देखो, जबकि अभी तो मंदिर काफ़ी दूर है यहाँ से। यहाँ पे ना देखो दोनों साइड पे ना एक ही तरह के कलर की शॉप्स हैं यहाँ पे, और देखो दुकानों पे जो नाम लिखे हैं वो भी सब एक ही जैसे हैं। देखो ये सब भी डेवलपमेंट का पार्ट है, ये देखो इधर भी ये नया बन रहा है सब, इसका भी सब कलर वैसा ही होगा। और यहाँ पे जैसे ना देखो टूटे हुए दिख रहे ना स्ट्रक्चर, तो ये यहाँ तक आगे आगे तक थी ये सब ना शॉप्स, और अब इसको पीछे कर दिया है। वही है कि इस रोड को चौड़ा करने के लिए किया गया होगा। सभी कुछ सेम दिखाई दे रहा है, देखो सेम कलर है सब। आगे लिखा है श्री राम जन्मभूमि गेट नंबर 11। गाइस भीड़ देखो भीड़, ये यहाँ से रास्ता है राम जन्मभूमि जाने का। ऐसा भीड़ चलो चलो। यहाँ से ना तो रास्ता मंदिर में जाने का है, ये मंदिर का रास्ता भी बंद किया हुआ अभी अंदर जाने का, और ना ही हनुमानगढ़ी जाने का रास्ता मिल रहा है। एक जगह पे खड़े हुए सब लोग, भाई साहब बड़ी मुश्किल से भीड़ में से निकल के आए हैं, हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और जैसा कि अभी भी यात्रियों की भारी संख्या यहाँ पे देखी जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी सोचा नहीं जा सकता कि हनुमानगढ़ी के मंदिर में भी भीड़ नहीं मिलेगी। देखो ये जो किला दिख रहा है ना, ये ऊपर ये वाला, ठीक है, तो ये हनुमानगढ़ी का पूरा मंदिर का किला है और वो वहाँ पे मंदिर है ऊपर। तो देखते हैं उस तरफ जाके दर्शन हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि के बाहर तो बहुत से श्रद्धालु हैं अभी इस टाइम पे ना, वापस आके देखेंगे फिर। लिखा है सामने हनुमानगढ़ी, ये यहाँ भी बहुत भीड़ होने वाली है, लॉकर की व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी, फोन जमा करना है। सब दोनों तरफ पे मार्केट और यहाँ पे देखो दुकानें बनी हुई हैं सब एक जैसे। अच्छा अगर हम उस तरफ से आते ना कहीं सामने की तरफ से, तो वहाँ पे है लता मंगेशकर चौक, हम लोग अपोजिट साइड से आए हैं पीछे की तरफ से, टेढ़ी बाज़ार कहते हैं उसको। ये लिखा है यहाँ पे हनुमानगढ़ी,
और जाने का रास्ता भी यहाँ से है क्या, अभी देखते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के गेट पे हम लोग आ गए हैं, ये सामने दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भक्तों की भीड़ देखो भाई साहब, अभी शायद दर्शन रोक रखे हैं। ये भी पीछे कुछ पुराना मंदिर है, बहुत भीड़ है। हाँ हाँ, वहाँ थोड़ा स्पेस ज़्यादा है ना खड़े होने के लिए। यहीं पे वेट कर रहे हैं, अभी देखते हैं दर्शन खुलेंगे तो शायद फिर लाइन में लग के फिर जाएंगे अंदर। देखो गाइस कैसे जा रहे हैं लोग, देखो सब लोग एक साथ ही जा रहे हैं, देखो सब। आप लोगों ने ऐसे दर्शन नहीं देखे होंगे भैया, ऐसे इतना रश नहीं देखा होगा इस तरह से चलता हुआ शायद यहाँ पे कभी। अयोध्या जी के इस तरह के नज़ारे मुझे नहीं लगता अब तक किसी और ने दिखाए किसी वीडियोस में। ये खाली हो गया, इस तरफ चलो चलो चलो। ये पूरा मंदिर है बाहर की तरफ से, अंदर से मैंने आपको दर्शन करा दिए। भाई साहब बहुत भीड़ है, बहुत, आप लोगों ने देख ही लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बाहर की तरफ राम मंदिर के दर्शन करने। जय श्री राम, जय हो बजरंगबली की। ये यहाँ से ना पूरा अयोध्या नगरी का नज़ारा दिखाई दे रहा है रात के टाइम का। बहुत अच्छे दर्शन हुए भाई साहब, दिल खुश हो गया हनुमान जी के दर्शन करके। हम लोग चलो चलो, हम लोग सोच रहे थे कि पहले राम जी के दर्शन कर लें, पर हनुमान जी ने बुला लिया हमें। क्यों आराम से, अब हम लोग राम मंदिर के दर्शन करने के लिए गेट पे आ चुके हैं। यहाँ पे भी बहुत भीड़ है, यहाँ पे भी ना रोक रखा है आगे, थोड़ी थोड़ी देर में छोड़ेंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर लॉकर में फ़ोन सबमिट करेंगे, फिर दर्शन होंगे रामलला के। ठीक है जी, मज़ा आ रहा है। हम लोग अंदर आ चुके हैं देखो वहाँ से, और यहाँ पे सामने की तरफ है जूते चप्पल रखने की जगह, ये सब निःशुल्क है। और इसी के सामने की तरफ यहाँ पे लॉकर की व्यवस्था है, जहाँ पे आप लोग अपने फ़ोन और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जो भी अगर वॉच भी है आपके पास या ब्लूटूथ हैंड फ्री वगैरह, सब कुछ यहीं पे सबमिट होना है। काउंटर्स तो बहुत सारे हैं पर बहुत भीड़ है, फिर भी जमा यहाँ से होंगे और लेना पीछे की तरफ से है, और फिर उस तरफ से जाके मंदिर का रास्ता है। तो चलिए फिर यहीं पे अब जमा कर देता हूँ फ़ोन, आगे की रिकॉर्डिंग तो कर नहीं पाऊँगा। बहुत रश है, बहुत ज़्यादा, देख लो आप लोग।
चलें, रखने चलते हैं फिर। चलो राम जी के दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं बाहर। बाकी की बातें होटल के कमरे में जाके बताता हूँ आपको। टाइम क्या हो गया? टाइम 9:30 बज गए जी। हम लगभग 5:30 के आसपास हम निकले थे होटल के रूम से। चलिए खाना ढूंढते हैं, पहले तो खाना कहाँ मिलेगा। तो आप लोगों को एक बार बता देता हूँ विस्तार से किस प्रकार से हम लोगों ने दर्शन किए और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, क्या क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग, जैसे आपने वीडियोस में देखा होगा कि काफ़ी भीड़ थी, हम लोग पहले गए, जैसे हम एक्चुअल में ये जो दूसरी साइड है, ये अपोजिट साइड है, जो मेन अयोध्या का रास्ता है वो यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे जाके है, जहाँ पे आगे जाके एक राम द्वार बना हुआ है और वहाँ से अंदर जाके लता मंगेशकर चौक आता है और वहाँ से फिर हनुमानगढ़ी का मंदिर आता है, जैसे मैंने इस तरफ से दिखाया था आपको। तो हम क्या है कि हमें गूगल मैप इस तरफ से लेके आया, तो ये भी रोड वहीं पर जाता है वैसे तो, पर यहाँ पर थोड़ी व्यवस्थाएँ कम है और उस तरफ मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं उस साइड पर। ठीक है, तो हम पहुँचे जैसे ही, सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि के सामने से हम लोग होते हुए गए आगे, पहले हनुमानगढ़ी के हमने दर्शन किए, वहाँ भी काफ़ी रश था, लगभग 1 से 1.25 घंटा हमें वहाँ दर्शन करने में लगा आज। और जूते चप्पल वहाँ पे बाहर ही उतार देते हैं लोग कहीं भी, या तो दुकानों पे रख दो नहीं तो बाहर कहीं भी रख देते हैं। हमें वापस आके बाई चांस हमारी चप्पलें वहीं मिल गई जहाँ पर हमने उतारी थी। प्रसाद भी बाहर से लेके आप लोग चढ़ा सकते हो। हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करके आने के बाद हम लोग गए राम जन्मभूमि के दर्शन करने, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसमें क्या था कि जैसे ही एंट्री की उसके बाद अंदर जाते हैं, रास्ता पूरा जाके सीधा वो लॉकर वाले एरिया पे जाता है जो मैंने आपको दिखाया, वहीं पे पहुंच के और वहाँ पे हमने अपने फ़ोन सबमिट कर दिए, माइक भी सबमिट कर दिया, उसके बाद हम लोग गए अंदर रामलला के दर्शन करने मंदिर में। तो वैसे तो क्या है कि मंदिर में फ़ोन और किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं है, पर फिर भी बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल फ़ोन थे अपने, जो फ़ोन लेके जाते हैं, और वहाँ पे जो सिक्योरिटी स्टाफ हैं, गार्ड हैं, जो प्राइवेट गार्ड्स हैं, सबके पास अपने फ़ोन होते हैं, स्वीपर्स के पास फ़ोन होते हैं। आप लोगों ने जो एक छोटी सी वीडियो देखी होगी फुटेज, वो भी मैंने एक सफाई कर्मचारी के फ़ोन से रिकॉर्ड की थी और वहीं से हम लोगों ने सबने फ़ोटो ली उनके फ़ोन से और फिर हमने व्हाट्सएप कर ली अपने फ़ोन पर। हम तो फ़ोन लेके नहीं गए थे पर काफ़ी लोग फ़ोन लेके गए हुए थे। आज क्या था ना कि आज एक तो मंगलवार था और ऊपर से अभी हैं छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, एग्ज़ाम जैसे ओवर हुए हैं अभी, तो अप्रैल में स्कूल खुलेंगे 1 अप्रैल से, आज 26 तारीख है, तो इस वजह से भी काफ़ी रश था। पर हमें ऐसा लगा नहीं वहाँ पे कि रश थोड़ा बहुत कम होता होगा, मुझे लगता नहीं कि बहुत कम होता होगा, बहुत भीड़ है अभी तो भाई साहब, और व्यवस्थाएं भी उस हिसाब से है नहीं। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? और सबसे हाँ व्यवस्थाएँ कम पड़ रही हैं, लोग इतने ज़्यादा हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है गाइस कि हमें खाने के लिए ना बड़ी दिक्कत हुई, खाना कहीं पे भी खाना यहाँ पे मतलब कोई ढाबा रेस्टोरेंट कोई है नहीं ऐसा अच्छा जहाँ पे आप लोग खाना खा सकें इजीली। और फिर हम यहाँ से क्या हुआ, हमने गाड़ी उठाई होटल से अपनी और यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे गए और वहाँ जाके खाना खाया, वो भी ऐसा ही खाना था कि बस पेट भरने लायक खाना था, कुछ खास नहीं था। तो यही था अयोध्या के लिए, बाकी कल का प्लान है हमारा यहाँ से बनारस जाने का, है ना? कल यहाँ से हम लोग जाएंगे बनारस, तो बनारस के भी आप लोगों को दर्शन कराएंगे काशी विश्वनाथ भोलेनाथ जी के, और बाकी सब कुछ ठीक है। और कोई क्वेरी हो आपकी राम मंदिर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी पूछ लीजिए अगर कोई रिक्वायरमेंट है किसी तरह की यहाँ के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो। और टाइमिंग क्या है, सुबह 6 बजे मंदिर खुलता है, 6:30 बजे। अभी क्या है कि किसी को भी यहाँ पर टाइमिंग ना पूरी तरह पता नहीं है, कभी आरती 6 बजे होती है, कभी 6:30 तक ख़त्म होती है, तो ऐसा ही है सब कुछ टाइम, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है। और रात को किसी ने 9:15 बताया मंदिर बंद होता है, किसी ने 9:30 बताया, किसी ने 10 बजे तक बताया, पर शायद ऐसा है कि 9:15 के बाद एंट्री बंद हो जाती है बाहर से। ठीक है जी, और हनुमानगढ़ी मंदिर भी 10 बजे बंद हो जाता है रात को और सुबह वो 4 बजे खुलता है, ऐसा बताया है यहाँ पे, बाकी एग्जैक्ट टाइमिंग अभी नहीं पता है यहाँ पे किसी को। और बस यही है,
रिक्शे से हम लोग गए थे, रिक्शे वाले ने जाते टाइम हमसे 10 रुपये सवारी लिया, वापस आते हुए 100 रुपये लिए टोटल 3 लोगों के यहाँ छोड़ने के, क्योंकि ये रोड पे नहीं था उसके, वो अलग से हम तीनों को ही छोड़ने आया था। ठीक है गाइज, तो आज का ये वीडियो अगर पसंद आया हो आप लोगों को तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और उन लोगों से वीडियो शेयर कर लीजिएगा जो अयोध्या धाम आना चाहते हैं। मैंने जहाँ तक हो सकता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली है, बस से भी आप लोग आ सकते हैं दिल्ली से या लखनऊ से, तो खैर बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और ट्रेन की सर्विस भी अवेलेबल है बड़े शहरों से, सभी जगह से ट्रेन अयोध्या आने लगी है, और फ़्लाइट की सर्विस भी अवेलेबल है, आप लोग फ़्लाइट टिकट भी चेक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी भी और टाइम लेके आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे यहाँ पे मैनेजमेंट होनी चाहिए, और गर्मी में तो खासकर अवॉइड करें। हम लोगों को अच्छा हुआ कि हम लोग शाम को ही चले गए, नहीं तो दिन के टाइम तो इतने रश में हम बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है हमारी, अगर हम लोग धूप में हमने दर्शन किए होते तो। वैसे यहाँ पे और भी काफ़ी मंदिर हैं, 2-3 मंदिर और हैं, जानकी महल है और दशरथ महल है, वो सब हम शायद नहीं जाएंगे, या फिर देखेंगे सुबह जा पाएंगे तो, नहीं तो फिर सुबह यहाँ से सीधा डायरेक्ट निकलेंगे बनारस के लिए। ठीक है जी, चलो बाय बाय, गुड नाइट।